हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल जिसका नाम है प्रॉपर्टी ऑप्शंस और मैं आपका दोस्त राजीव माथुर। और मैं अपने इस चैनल पे आपको सस्ती और बेहतर प्रॉपर्टीज दिखाने की कोशिश करता हूं, और चाहे वो वन रूम किचन हो, 1 BHK हो, 2 BHK, 3 BHK चौल हो और दुकान हो, कुछ भी हो, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं सब लोग अफोर्ड कर सके। ठीक है, तो आज ये जो वीडियो, हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियोज आया करेंगे, उसकी जानकारी आपको मिल जाया करेगी और वो आप देख सकेंगे। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है, जैसे मैंने पहले भी 3-4 चीज़ें बताने के लिए खाली मैं ये वीडियोज बना रहा हूँ कि लोग अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तब क्या करना चाहिए, लोन पे ले रहे हैं तो क्या करना चाहिए, रेंट पे ले रहे हैं तो क्या करना चाहिए मुंबई में। ठीक है, वैसे ये फॉर्मूला हर जगह यूज होता है, फिर भी मैं मुंबई के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो मुंबई में अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा, चाहे वो फ्लैट हो, बंगलो हो, चौल हो, दुकान हो, कुछ भी हो, अगर वो लोन पे ले रहा है तो काफी लोगों के माइंड में ये रहता है कि यार हम प्रॉपर्टी खरीदें कोई फ्रॉड ना कर दे। देखो, लोन के केस में क्या होता है, आपके साथ कोई लोन अपना फ्रॉड कर ही नहीं सकता, याद रखना। आप अगर किसी चीज का लोन कराने जा रहे हैं ना तो फ्रॉड आपके साथ हो ही नहीं सकता, मेरा मानना ही है, हकीकत है, 99% आपके साथ हो ही नहीं सकता। अब मैं रीजन बताता हूँ, लोन में क्या होता है कि मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी कोई देखी 50 लाख की, आपके पास पैसे हैं कि भाई मेरे पास 35 लाख है, 15 लाख रुपया कम पड़ रहा है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, आप समझ लीजिए इसको अपने तरीके से, इसको आगे भी आप सोच सकते हैं। 50 लाख की आपने प्रॉपर्टी देखी, 35 लाख रुपये आपके पास है, 15 लाख रुपया शॉर्टेज पड़ रहा है, आप कहीं किसी अच्छी जॉब कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग के पास, मेरे पास फोन आते हैं काफी लोगों के कि सर हमें लोन पे घर चाहिए, मैं कहा मिल जाएगा, कि हमारा बजट इतना है, इतना है, कितना लोन हो सकता है। मैं कहा लोन तो होने को बॉस 80-90% भी प्रॉपर्टीज पे हो जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप जॉब जो करते हैं आपकी मंथली इनकम कितनी है। अभी ये बात आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी मंथली इनकम कितनी है, आपका 15 लाख आपको चाहिए तो वो आप बैंक वालों के पास जाएंगे, पहले आपको आपकी जो इनकम टैक्स फाइल जो होती है ना, IT फाइल जिसे कहते हैं, वो बननी बहुत जरूरी होती है कि गवर्नमेंट को आप कितना इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, आपकी सैलरी कितनी है, वो सारी नॉलेज एक इनकम टैक्स फाइल में उसमें डाली जाती है। उसके लिए CA के पास जाना पड़ता है, CA आपको सारी चीज़ समझा देता है, बना देता है। ठीक है, और दूसरा आपकी इनकम कितनी है महीने की, सबसे पहले वो पूछते हैं इनकम। आप बैंक में जाएंगे, आप चलो शुरू से बताता हूँ, आपने एक प्रॉपर्टी देखी, आपको पसंद आ गई, 50 लाख की प्रॉपर्टी है, 15 लाख का में, अब आप बोलेंगे ओनर को या ब्रोकर को कि सर हमें प्रॉपर्टी पसंद है लेकिन हमें लोन करानी है, तो सामने वाला बोलेगा ठीक है आप करा लीजिए लोन। अब लोन कराने के लिए क्या करना पड़ता है कि कुछ पेपर्स हैं, आप पहले बैंक में जाएंगे तो बैंक में आप बोलेंगे सर हमारे पास 35 लाख हैं, 15 लाख हमारे पास कम पड़ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, तो वो बंदा बोलेगा एक काम कीजिए, पहले आप ये पेपर है ना उसको बोलिए जेरोक्स करें, फोटो स्टेट या जेरोक्स पेपर, मतलब वो उसके ओरिजिनल पेपर कोई नहीं देता ना, बैंक मांगती है, वो जेरोक्स कॉपी लेकर के आप बैंक में दीजिए, आप ओनर को बोलिए कि ये पेपर बैंक वालों ने मांगे हैं, इनकी जेरोक्स कॉपी करके दे दीजिए, तो ओनर क्या करता है वो जेरोक्स करा के दे देता है आपको और उसमें क्रॉस मार के दे देता है ताकि आप उसको कोई मिसयूज ना कर सके, तो उसको क्रॉस मारता है पेन से या किसी से भी ना, पेन से, कुछ लोग ऐसे एज इट इज दे देते हैं, कुछ लोग क्रॉस मार के दे देते हैं, तो वो पेपर आपको हैंड ओवर करेगा, वो पेपर ले जाके आपको बैंक में देने हैं, बैंक वाले क्या करेंगे वो पेपर देखेंगे सारी चीजें, आपको बोलेंगे ठीक है 1-2 दिन का टाइम दीजिए, आपको बताते हैं कि इस प्रॉपर्टी पे हम लोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, वो पूरा उनके देखे, ये तो बैंक है, इनके पास तो अच्छे अच्छे लॉयर्स बैठे होते हैं, इनको पैसों की प्रॉब्लम थोड़ी है, तो लॉयर्स के पास भेजते हैं, लॉयर्स अच्छे से देखते हैं पूरे एक एक पेपर, अगर लॉयर बोलता है कि हाँ भाई प्रॉपर्टी जेन्युइन है, पेपर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेपर्स जो है जेन्युइन है, तो वो बैंक आपको बोलते हैं कि हाँ भाई ठीक है हम आपको ये लोन देने के लिए तैयार है, फर्स्ट स्टेप ये है। सेकंड स्टेप ये होता है कि बैंक कहते हैं ठीक है हम आपको लोन देंगे, पहले आपकी इनकम कितनी है वो बताइए महीने की, आप क्या करते हैं, आपको वो सारी चीज़ें IT फाइल वहाँ आपको दिखानी पड़ती है, 15 लाख का है तो वो कहेंगे ठीक है 15 लाख का अगर हम आपको लोन दे रहे हैं, एक जनमन कह रहा हूँ 90% तक भी लोन हो जाता है प्रॉपर्टीज पे, याद रखिएगा, बट वो डिपेंड करता है आपकी सैलरी कितनी है, आप बिजनेस करते हैं तो आप महीने का कितना कमाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप करेंगे तो उसके बाद वो बोल देंगे ठीक है आप, मतलब ये होता है कि आप कमा रहे हैं महीने का, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप कमा रहे हैं महीने का 25,000 और लोन बनता है आपका मान लीजिए 17,000-18,000, तो बाकी का 8,000 में क्या आप घर चला लेंगे क्या, नहीं ना, तो बैंक वाला वही सोचता है कि ये कैसे देगा हमारे भाई, घर के खर्चे होते हैं, फैमिली के खर्चे होते हैं, बीवी बच्चे माँ बाप,
कहाँ रह रहे हो, रेंट पे रह रहे हो, अपने पे रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, तो वो सारी चीज वो क्या स्टडी करते हैं, उसके बाद ही लोन देते हैं। ये मेरा मानना है, मेरी सोच है, लेकिन फिर भी अगर कोई लोन पे लेना चाहता है तो कृपा करके सबसे पहले एक स्टेप कीजिए कि बैंक में जाके पता कीजिए कि हमें लोन चाहिए, कितने तक का लोन मिल जाएगा, तो वो आपको बताएंगे। ठीक है, पहले आईटी आपकी वो फाइल दिखाइए। या फिर ऐसा भी होता है कि आप जहाँ से किसी एजेंट के थ्रू आप कोई नया घर अगर खरीद रहे हैं, नई बिल्डिंग पे खरीद रहे हैं, नए कंस्ट्रक्शन पे खरीद रहे हैं, तो वो लोग करा के दे देते हैं आपको। उनकी क्या होती है, वो उनका काम ही वही है ना, बैंक वालों से उनका पता है कैसे करना है, सारे पेपर्स कहाँ सबमिट करने हैं, कैसे कराना है, क्या उनको सब पता होता है। सेकंड स्टेप होता है आपको खुद बैंक में जाना पड़ेगा। तो ये दो चीजें होती हैं, ठीक है, तो वो पूरा आपका देखते हैं, ठीक है। तीसरा, अब इसमें फ्रॉड हो ही नहीं सकता। फ्रॉड जो मैंने शुरू में भी बोला, फ्रॉड इसलिए नहीं हो सकता कि भाई अगर पेपर में कुछ भी प्रॉब्लम होगा बैंक नहीं करेगा, इशू ही नहीं करेगा। आपका इनकम टैक्स जो अपना सॉरी जो आप लोन लेना चाहते हैं वो आपको देगा ही नहीं, मना कर देगा, वो बोल देगा कि भाई इनके पेपर्स में ये प्रॉब्लम है, या तो इनको इधर लेके आइए या इनको बोलिए ये कंप्लीट करें, फिर उसके बाद ये बेचें प्रॉपर्टी। तो ये तो लोन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, याद रखिएगा। आपके क्या है, आईटी फाइल आपको रखनी है। दूसरा, बैंक में आप जाके पता कीजिए कि भाई हमें ये प्रॉपर्टी पसंद है, इतने का लोन चाहिए, तो वो आपको देख के बता देगा। थर्ड, आप जाइए कहाँ पे, एजेंट को बोलिए, ब्रोकर जो होता है उनको बोलिए कि भाई लोन पे लेना है, तो वो लोन वाली ही प्रॉपर्टी दिखाएगा। कुछ लोग होता है जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है तो वो सामने से मना कर देता है, नहीं यार लोन नहीं कराऊंगा, मेरे को ताबड़तोड़ पैसा चाहिए। वो लोन में काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है, कभी 15 दिन में भी पैसा पहुंच जाता है, कभी कभी 1.5 महीना भी लग जाता है बैंक की तरफ से, ये मैंने सुना हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो लोन पे अगर आप घर ले रहे हैं, चीटिंग आपके साथ नहीं हो सकती है, क्योंकि पेपर्स क्या होता है, बैंक में जाते हैं, बैंक वाले के पास लॉयर्स होते हैं पढ़े लिखे अच्छे बड़े बड़े, तो वो चेक करते हैं, कुछ भी एक इतना सा भी नुकसान होता है ना, वो मना कर देंगे, इनका ये प्रॉब्लम है, पेपर्स में नहीं करेंगे लोन, तो आपके साथ हो ही नहीं सकता फ्रॉड, है ना। तो यही एक था कि मैं वीडियोस बनाता था प्रॉपर्टीज के, मैंने कहा चलो ये जानकारी दे देते हैं, ये 3-4 चीजों के लिए, जैसे लोन पे लेना है आज बता दिया, और प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो क्या करना है उसका भी एक वीडियो बनाया, रेंट पे अगर मुंबई में आपको चाहिए तो वो भी मैं बताऊंगा कि फैमिलीज वाले अगर ले रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, और जो स्ट्रगलर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, जो काम करते हैं, जो किसी कंपनीज में जॉब करते हैं, और मुंबई या कुछ लोग बॉलीवुड के लिए आते हैं यहाँ पे सीरियल्स में मूवीज में काम करने के लिए, उनको भी रेंट के लिए चाहिए था, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो एक वीडियो अभी मैं ऐसे आगे धीरे धीरे इनकी सीरीज बनाता जाऊँगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी जानकारी आपको देनी थी, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल पे, सस्ती और बेहतर प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता हूँ, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियो आएंगे तो आप तक पहुँच जाएंगे, ठीक है, आपको जानकारी मिल जाएगी तो आप देख सकेंगे। थैंक यू सो मच। कुछ पूछना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, और मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत जल्द मिलता हूँ।